अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राजा वो क्रम्स ट्राई करके देख रहा है, तो उसको बहुत पसंद आया और देखिए रिएक्शन बहुत अच्छा है उसका, बहुत अच्छा लगा उसको। ट्राई करना था एक बार, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सिद्दीकी फैमिली ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, बस अब अभी थोड़ी देर पहले व्लॉग अपलोड किया है मैंने और फिर दोबारा से कंटिन्यू कर दिया व्लॉग आज दोबारा बनाने के लिए। और 17 रोज़े कम्प्लीट हो चुके हैं, 18वां आज सहरी खाएंगे। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के रोज़े सब अच्छे गए। गर्मी थोड़ी सी शुरू हो गई हालांकि, बट कोई बात नहीं, जब रोज़े रखते हैं तो रखने हैं तो रखने हैं, और रोज़े जब लगेंगे तो जब भी तो रोज़ा कहते हैं उसको। तो बस लाइक करें, शेयर करें। आपको 500 अभी व्लॉग शुरू किया है, गड्डी मिलेगी। सुनो बाहर पड़ी भी, अभी व्लॉग शुरू किया तो अभी एंड कहाँ को कर रहे हो, रुको अभी एंड करेंगे कल। सो फ्रेंड्स, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे कपड़ों की तय कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। पूरा देखिए आप, सारे में कपड़े फैले हुए हैं, तो तय करने के बाद आपसे मिलते हैं। जो अरुषा पे बना रही है पास्ता, वो देखो बाहर का रास्ता। यह बात सच नहीं। देखिए ये आलिया पे भी है, अभी काम कर रही है। तो फ्रेंड्स अरुषा बना रही है पास्ता। अरुषा एंड आलिया, अरुषा और आलिया का आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा कि दोनों अच्छा पास्ता बनाती हैं। तो मैंने अभी हम लोगों को भूख लगी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम बना दो पास्ता और अच्छा बनाती थे, इसलिए आज ऐसा कम नींद आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत जल्दी नींद आती है, तो अब नींद मुझे कम आ रही है, तो मैं अब पास्ता खा के सो गया। माँ की बहुत तबीयत खराब हो रही है और हो रहे हैं टाइम 10:43 याद सो रही है। और ये मम्मा, ये ये जब ब्लॉग बनाया था तो फ्रेंड्स मम्मा की तबीयत खराब हो रही है, लगता है कोई इसको टीप जाता है पढ़ने वाले देख के उसने। ये आज जब भी कुछ काम कर रही है, बात है बना रही है, हमारी मस्जिद में कुछ काम हो रहा है तो कि वो या कुछ गेट लगा है या अल्लाह का। और देखिए कितनी सारी भीड़ हो रही है, देखिए भीड़ कितनी सारी हो रही है। सो होशियार लग चुकी है आलिया मैडम की कढ़ाई, अरुषा भी अपना चॉपिंग करने में लगी हुई है। और आलिया कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आलिया? बाल पे क्या कर रहा है? बाल पे तो बाल पे सब जा रहे। फ्रेंड्स आजकल के बच्चे इतने वो रहे हैं, इसने ब्लॉग में ये इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसने तेल लगाया हुआ है। अगर अपनी मम्मा के पैर दबा रहे हैं, और ये पैर दबाने का इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि ताकि ये अपना अपनी जो डायरी है इनकी, जो मकतब में जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें अपना साइन लगा दे कि हाँ हमने मम्मा के पैर दबाए थे एक टाइम पे। तो फ्रेंड्स सप्पी अब वो राधू का कोर्स रख रही है। कौन है ये? है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, ये रही अबू आदू की डायरी और ये रहा हमारा स्कूल। ये पास्ता का सामान रेडी हो चुका है, ये रहा टमाटर, प्याज का पहाड़ बन गया पूरा, फिर बोला प्याज ज़्यादा करो, पिद्दू सी लाल मिर्च, पिद्दू सी हल्दी, और ये जीरा मिर्च, टमाटर, मिर्च हमने बड़ी करके काटी है, मुझे मिर्ची लग जाती है, मुझे नहीं हम तीनों को। तब पिने बोला बारीक करो, मैंने कहा नहीं हमें मिर्ची लगती है, आप अकेली थोड़ी खाओगी। और ये पास्ता बॉईल हो रहा है, मिलते हैं पास्ता बनाने के बाद। आलिया मेंटल है, इसमें मैगी मसाला डाल दिए। हाँ और एक मैंने भी डाला है गैस, देखो ये बोल रहे मुझे बदनाम करने के लिए अपना पहले डाल दिया। तो गैस मेंटल हम दोनों हैं।
पहला आपने बोला था कि आ जाओ उसमें करते हैं, है ना? ठीक है, देखो क्या कर रखा है पूरा। चुगली खोर आंटी आ रही है न्यूज में। यू अबू आपको नहीं खिलाएंगे हम पास्ता। मैं पते को बाहर करा आलिया आप पास्ता खाओगी? वो देखो बाहर का रास्ता। अब आपको एक डायलॉग बताओ, आप बोलो अप्पी पास्ता चाहिए चाहिए लो पास्ता, वो देखो बाहर का रास्ता। लेकिन ये प्याज डांस कर रही है, जीरा भी करेगा, स्टार्ट होगा। ऐसे होता है, पास्ता बॉइल हो चुका है, बॉइल हो चुका है पास्ता, और अप्पी अपना अप्पी खुद बना रही पास्ता ताकि पूरे ब्लॉग में इनका नाम आए, इन्होंने बनाया है पास्ता, है ना अप्पी? मम्मी अपना नाम कर लो, मुझे नहीं करना है, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, तुम बना लोगे, भूख लगी इससे ज्यादा परेशान। आवाज जी अच्छा कैसे खा दो अभी हिरता लिया पास्ता मुझसे। महारानी जी को देख ली इनको, अभी देखना गाइस आलिया कैसे डरेगी और मैंने गरम गरम चूल्हे व्लॉग व्लॉग में। अब भी कम है अब भैया जाओ चले जाओ, पत्तमी से ना कम कर जाहिर। ये इन लड़की को ध्यान देके व्लॉग में अपना नाम कराना चाह रही है। ये बदतमीज लड़का आहिल पूरा ब्लॉग हिलवा दिया इनने मेरा, आपको लगा होगा जो मैं दिखा रही हूँ जो पिले इसमें ये प्याज कर रही है, तो उस बदतमीज ने पूरा ब्लॉग हिला दिया मेरा। आज अब को भूख लग रही है बहुत ही। मैडम जल्दी कर लो, अब पे कितना बदतमीज कर रहा है उसके ब्लॉग में, जरा थोड़ी तारीफ कर दो। ये हमने डाल दी है मिर्च और आले टमाटर डाल दे, बस ये दोनों एक साथ चला लेंगे ना। धोते जाओ ये डाल दिया आलिया टमाटो हल्दी। मैंने बोला था नहीं ये नहीं डालना, देखो पूरी इसमें रह गई अभी। चलो कोई बात नहीं गाइस, आपने व्लॉग में देखा होगा अरे लेफ्टी है अभी लेफ्ट से कर रही होगी, पूरे व्लॉग में देखने को मिला होगा आपको। ये मैगी मसाला के लिए कितना बड़ा ग्लास फ्रेंड्स, आधे को डर लग रहा पास्ता डालते हैं, कोई नहीं डाल दो बेटा। पाले जम गया, ये आपकी वजह से जमा बेटा। चलो अब मिलते हैं पास्ते के बाद। पास्ता बन के तैयार हो गया है। सो फ्रेंड्स पास्ता रेडी हो चुका है, तैयार हो गया है, दिखाओ। गुड। हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। सो बस सहरी खा ली है, सहरी में आज कुछ नहीं खाया, बस मैंने चाय पी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। रात को थोड़ा सा पास्ता उखाया था आपके सामने, तो बस उसके बाद कुछ नहीं खा पाई और मैंने खा लिया है। आरुषा भी है वहाँ पर, बोले बुशरा अंदर लेट गई है खाकर, और बस जल्दी आप थोड़ी देर में। वालेकुम फ्रेंड, शहरी का टाइम खत्म हो चुका है और मैंने भी रोज़ा रखा है आज का, ठीक है। अब क्या कर रही है? क्या कर रही है? चल सही रख के और सो जा।
अस्सलाम वालेकुम। सो यस, आ गई हूँ मैं ऑफिस से और आई हूँ, तो आप देखते हैं लेट्स सी कि क्या हो रहा है, जुबान कितनी फिसल रही है। सो आज घर में खाला है, छोटी वाली उनकी फैमिली है, मामू है, मामी है, देखते क्या बन रहा है किचन में, चलते हैं आपको भी लेकर। फ्रेंड्स ये वही आलू की पकौड़ी, बैंगन की पकौड़ी, चने तैयार हो गए हैं और ये बन रही है यहाँ पर, इसमें पकौड़ियाँ भी और इसमें तैयार हो चुका है मटका फुल्की, दही फुल्की। सो बस ये चल रहा है इस टाइम पर। और कुछ स्पेशल आज वो मजेदार मजेदार यम्मी। और फ्रेंड्स यहाँ पर अम्मी कटिंग कर रही हैं फ्रूट्स की, यानी कि फ्रूट चाट बना रही हैं। मेहमान आए थे तो देखिए कितनी जबरदस्त यम्मी मिठाई लेकर आए, हालांकि मैं खाती नहीं हूँ लेकिन अब मैं खाकर जरूर देखूंगी सिर्फ इफ्तार के बाद। और एक बात बताओ मुझे, जब मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैं अदबद के है क्या, कुछ ही है क्या, ठन 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 कर रही थी, तूने चम्मच बजाया था, किसने कहा था, किसने कहा था चम्मच जी, हमारे तो आदत है लगी हुई, मुझे पता है पनौती तुमने लगा रखी ब्लॉग में पूरे में, रमजान मेरी मुझसे तो वो गिरा है, तुम कर रही थी ऐसे। फ्रेंड्स कीमे की पकौड़ी बन रही है, एक एक बन जाएगी सबके हाथ में, नहीं आ जाएगी, एक एक फोर बजे गिरेगी एक एक। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत खराब हो रही है, हम कुछ नहीं कह सकते, हम बेकार हो रहे इतना टाइम। फ्रेंड्स इनकी तबीयत खराब हो रही है और ये हमारी खाला बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही यहाँ पर आकर, हमारे हालात पे छोड़ दो, 500 रुपए दो जब दूर, हमारा हालात पे छोड़ दो, हमें हमारा हालात पे छोड़ दो, हम बड़े परेशान हैं। सलाम कर लो सबको, और ठीक है आप, बस प्रमोशन तो कर दो व्लॉग में हमारा, सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब हमारे सब्सक्राइबर को इनवाइट कर लो रोजा खुशाई में, कौन रोजा खुशाई में, हम तुम्हारी कोने पे ना गली में, तुम तो नहीं जाओगे आज, आज इनके कपड़े देखो ऐसा लग रहा है देख के कि हल्दी में जा रहे हैं, कहीं हल्दी में जा रहे हो आप, नहीं नहीं रोजा खुशाई में जा रहे हो, हल्दी में तो नहीं जा रहे बेटा। चलो बस इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, सो अल्लाह हाफिज़, लव यू, खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुआ में याद रखिएगा।